अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कीमे के समोसे की रेसिपी, वो भी प्रोफेशनल स्टाइल में, जो आप मार्केट से लेते हैं सेम वही टेस्ट आपको घर में मिलेगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं कीमे के समोसे की। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने बारीक मशीन का कीमा लिया है, ये बीफ का कीमा मैं यूज़ कर रही हूँ, आधा किलो। 2 टेबलस्पून भर के हम लेंगे हरी मिर्च, कम से कम 10 से 12 हरी मिर्च। 1.5 टीस्पून हम नमक लेंगे, 1.5 टीस्पून हम कुटी लाल मिर्च लेंगे, ये आप टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं कम या ज़्यादा। 2 टीस्पून हम भुना कुटा ज़ीरा लेंगे, 2 टीस्पून भर के हम भुना कुटा धनिया लेंगे, 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा हम पिसा गरम मसाला लेंगे, आधी गड्डी हरे धनिए की लेंगे, 1/2 किलो कीमे में हम 1/2 किलो प्याज लेंगे। जितना कीमा होता है उतनी ही इसमें प्याज जाती है, जो हम बाज़ार से लेते हैं बिल्कुल वही सेम रेसिपी है ये। यहाँ हमने ये मांडे ले लिए हैं, समोसे की पट्टियाँ ले ली हैं, और ये हमने मैदा थोड़े से पानी में घोल के रखा है इसकी बाइंडिंग के लिए। तो चलिए जल्दी से हम अपने समोसों की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम अपना कीमा ऐड करेंगे। इसमें ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं है, ये वही समोसे हैं जो आप मार्केट से लेते हैं, प्रोफेशनल तरीका है बिल्कुल। ऑयल हम इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। कीमे को हम दरमियानी आंच पे उतना भूनेंगे कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इतनी देर हमें कीमे को भूनना है और इसको चलाते रहना है कि इसका पानी हमें खुश्क कर लेना है बिल्कुल। इसी में ये कीमा गल भी जाएगा, भूनते भूनते अपने ही पानी में ये गल जाएगा, ना इसमें ऑयल जाएगा ना इसमें घी जाएगा, क्योंकि हम इसको जब फ्राई करेंगे तो ये ऑयल में फ्राई होगा, इसलिए कीमे में हम बिल्कुल घी ऐड या ऑयल ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए नॉर्मल आंच पे मैं भून रही हूँ, देखें ये अपना पानी छोड़ा है, इसी पानी में ये गलेगा और इसका पानी हम खुश कर लेंगे। तो देखिए मैं मुस्तकिल इसमें चमचा चला रही हूँ और कीमे का पानी खुश्क हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे हैं इसका पानी खुश्क होने में, और देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें मसाले ऐड करते जाएंगे साथ साथ। ये हमारी हरी मिर्च चली गई, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्चें कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ हमारा नमक चला गया, नमक भी थोड़ा तेज़ रखेंगे क्योंकि मांडे में नमक नहीं होता है। ये नमक और कुटी मिर्च हमारी चली गई। हमारा कुटा हुआ धनिया चला गया, ज़ीरा, गरम मसाला। पहले हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं ड्राई मसाले वो सब ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। फिर मैं बोल रही हूँ कि इसमें ऑयल नहीं जाएगा। बाहर से जो हम खाते हैं सेम वही रेसिपी है ये, आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करिएगा। कीमे में हम थोड़ा सा तेज़ ही रखते हैं नमक। ये देखें सब अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और चूल्हा बंद करने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। ये हमारी प्याज चली गई, हरा धनिया कम से कम आधी गड्डी, 1/2 किलो कीमे में। ये देखें फ्लेम बिल्कुल ऑफ है
और अब हम इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको ठंडा करेंगे और फिर हम इसके समोसे बनाएंगे। ये देखें, सेम वही लुक आया है जो हम बाज़ार से लेते हैं, इंशाल्लाह टेस्ट में भी वैसे ही होंगे। चूल्हा बंद करने के बाद ही इसमें प्याज डाल ली है, वरना प्याज पानी छोड़ देगी, और हरा धनिया भी हम लास्ट में डालेंगे ताकि उसका कलर भी बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रहे। ये देखें, तो ये हमारा कीमे के समोसों का कीमा रेडी है। अब इसको ठंडा करते हैं, फिर इसको हम शेप देते हैं समोसों का। तो देखिए, हमने आपके सामने कीमा बनाया समोसों का, और अब हम आपको इसकी फोल्डिंग दिखाते हैं कि कैसे हम समोसों को शेप दे रहे हैं। ये हमने मांडा लिया, इसमें हमने देखें ये कीमा रखा, इसको पहले यूँ फोल्ड किया, इस तरह फोल्ड किया, और फिर हम इसको जो हमने मैदा लगा रखा था पानी डाल के, उससे हम इसको बाइंड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से चिपका देंगे। एक और बनाना बताएंगे आपको इसी तरह। ये देखिए कितना अच्छा इसका शेप आया है समोसे का। चलें अब एक और बनाना बताते हैं। दोबारा से हमने देखें ये इस तरह रखा चार उंगलियों पे अपने पट्टी को, ये कीमा इसके अंदर डाला, इसको इस तरह फोल्ड किया, दोबारा से एक और फोल्ड किया, और अगर हमें कम लगेगा तो हम दोबारा इसमें थोड़ा सा और डालेंगे। ये देखें, अब हम इसको चिपका देंगे। इसी तरह अब हम सारे अपने समोसों का शेप दे लेंगे। दो तीन बना के देखें आप, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी, शेप बिल्कुल बाजार जैसा इसका आएगा। ये देखें, चलें अब हम इसी तरह सारे बना लेते हैं। आपके सामने एक और बनाना बताएंगे, उसके बाद फिर सारे हम इसी तरह बना के रख लेंगे, और फिर इसको फ्राई करेंगे। इसको चाहें तो आप लोग बना के भी रख सकते हैं डीप फ्रीज़र में। ये दोबारा से देखें, एक और फोल्डिंग दिखाते हैं आपको। ये देखें कितना आसान है इसकी फोल्डिंग। ये और हमने थोड़ा सा इसमें कीमा डाला, और अब इसका फाइनल फोल्ड करके, और फिर इस पे हम दोबारा से मैदे का जो हमने लेप बनाया था वो हम लगा देंगे, जो लई बनाई थी हमने। इसको आप लोग चाहें तो बना के डीफ्रीज भी कर सकते हैं, और फिर जब इसको फ्राई करना हो तो 10 मिनट पहले इसको निकाल के बाहर रखें और इसको फ्राई कर लें। अब इसी तरह हम सारे अपने फोल्ड कर लेंगे समोसे। तो देखिए, हमने सारे समोसों को इसी तरह शेप दे लिया है। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तो चलिए अब हम इसको डीप फ्राई करते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म है, आइए हम अपने समोसों को फ्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ हीट पे फ्राई नहीं करने, वरना अंदर से फ्राई नहीं होंगे और ऊपर से ये जल जाएंगे। दरमियानी हीट पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अभी मैं इतनी ही डालती हूँ, फिर बाद में और हम डालेंगे इसमें। एक साइड से जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसको टर्न कर देंगे। ये देखें कितना अच्छा सा हमारा गोल्डन कलर आ गया इन समोसों में। मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको टर्न करती जा रही हूँ ताकि दोनों तरफ से एक जैसा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका गोल्डन सा कलर आ गया। मैं इसको निकाल लेंगे और बाकी के समोसे फ्राई करते हैं। तो देखें कितना अच्छा इसका कलर है। मैं बाकी के समोसे भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे हम। बाकी के भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। कितना अच्छा देखें इसका शेप आया है, और इंशाल्लाह टेस्ट में भी बिल्कुल आपको बाजार जैसा
टेस्ट लगेगा, खुशबू भी बिल्कुल इनकी वैसी आ रही है जैसे हम बाहर के समोसे लेते हैं, क्योंकि कीमा हमारा बिल्कुल बाहर जैसा था। मैंने आपको बताया था कि ये प्रोफेशनल रेसिपी है जो हम बाहर से लेते हैं, आप जब बनाएंगे तो आपको खा के ख़ुद अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल बाज़ार वाला हमारा समोसों का टेस्ट आया है। और शेप आपका प्रैक्टिस से आ जाएगा, दो तीन आप बनाएंगे तो ख़ुद ही आपका बहुत अच्छा समोसों का शेप आ जाएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा। बहुत नॉर्मल हीट पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए ये थे हमारे कीमे के समोसे, इसको हमने ग्रीन चटनी और रेड चटनी के साथ सर्व किया है। चटनी बनाना मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत मज़ेदार से बिल्कुल बाज़ार जैसे समोसे हैं, आप लोग ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स करें कि आपको कैसे लगे ये समोसे। फिर मिलेंगे और अच्छी रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।